रमज़ान की, रमज़ान के महीने की सबको मुबारकबाद, ज़ाहिर अवाम को आम खास। और आज इस रमज़ान के मौके पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 16 साल से हमारे से खिदमत ले रहे हैं, अनाज की तकसीम की और इफ्तार तनाव लेता हमका। आज रमज़ान के माह रमज़ान के मौके पर अनाज की तकसीम है, 1001 फैमिली को अल्लाह पाक हमारे से खिदमत ले रहे हैं, जिसमें चावल, आटा, तेल, प्याज, मिर्ची, नमक, शक्कर, पत्ती, मसूर की दाल, चने की दाल, इमली, ज़ीरा, ऐसे टोटल पापड़, अदरक लहसुन, खजूर, सब मिला के 17 आइटम होते हैं ग्रैन के। मकसद यही है खिदमत करने का कि जो भी गरीब आवाम है उनको एक माह के अंदर सहरी में और या इफ्तार में किसी को तकलीफ़ ना हो। आज से 15-16 साल पहले 70 फैमिली से शुरू करे, अल्लाह पाक का ये करम है कि आज ट्रस्ट के ज़रिए, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन वेलफेयर मेमोरियल ट्रस्ट के ज़रिए आज खिदमत अंजाम दे रहे हैं कौम की। इंशाल्लाह नियत ये है आगे भी इसी का तसल्सुल चाहिए। आप लोगों को एक बताया उनके फैमिली के हिसाब से एक महीने का अरेंजमेंट, और ये मामला मिला ना कोई ज़कात से ताल्लुक़ रखता, ना कोई दूसरे तरफ के कोई फंड से, ये सब हमारी ज़ाती तरीके से जो भी अल्लाह पाक अता करते हैं उसी में से। ये आप साल में वजीफे के तौर पे देते हैं, और दूसरे जो है सो स्कूल की फीस हर फैमिली के एक बच्चे को जो ट्रस्ट से ज़कात के बजट से दिया जाता है कि 1 तारीख से 10 तारीख तक स्कूल की फीस या एक बच्चे की, या फिर घर के कोई बड़े है जिसको दवाओं की जरूरत है उसके पैसे। इधर देखो।